Welcome to my channel, Master Food Secret. Subscribe my channel. Also, like, share, comments. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका क्या हाल चाल है। मैं अपना तारुफ आपसे कराती चलूँ कि मास्टर फूड सीक्रेट को जो चैनल मेरी बहू और बेटा चला रहे हैं, मैं काशिफ की वालदा हूँ। लोग तो टाइम पास करने के लिए ना वर्टूर पे निकल जाते हैं, लेकिन मेरी उम्र ऐसी तो नहीं कि मैं वर्टूर पे निकलूँ। कुछ दिनों से बहुत बीमार थी, सोचा कि क्या करूँ। फिर दिल में ख्याल आया कि मैं लाहौर टूर करती हूँ, क्योंकि लाहौर में मेरे सारे रिश्तेदार हैं। माशाल्लाह मेरी नौ बहनें, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे भी हैं। दिल में ख्याल आया कि आखिरी वक्त है, क्या रौनक दुनिया देखूँ। अब तो दिल में एक तमन्ना है कि दो दो दिन सबके घर में रह कर देखूँ। आज ही मेरा पहला पड़ाव अपने बड़े बेटे के घर में था, तो मैं दो दिन के लिए इधर आई हुई थी। फिर अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई, अब थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आपसे गुजारिश है कि मैंने भी अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत मशक्क़त में गुजारी है, आज मेरे बच्चे भी उन्हीं राहों पे चल के मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं। माँ की दुआएं तो इनके साथ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दुआ के साथ दवा की ज़रूरत होती है। हर माँ ही चाहती है कि उसके बच्चे कामयाबी के जीने पर पहला कदम रखें और आस्ता आस्ता चढ़ते हुए आखिरी जीने पे चले जाएं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अब इस वक्त जैसे दुआ के साथ दवा की ज़रूरत होती है, आपको इनकी मदद की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके कामयाब होने में इनकी मदद करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम नेकी कर रहे होते हैं बेलौस, मैं जानती हूँ उसका सिला इंसान तो नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह ताला उसकी जजा ज़रूर देता है। बेलौस नेकियाँ, मोहब्बतें, चाहतें, ये कभी ज़ाया तो नहीं जाती, लेकिन इसका इनाम बड़ा मिलता है। मेरी गुजारिश है कि आप मेरे इन बच्चों को, जो कि इस दुनिया में लोग सौ ऐबों में फंसे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र अपने बच्चों पर कि वो मेहनत मशक्क़त करते हैं, किसी ऐब में नशे में नहीं है। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को सिला ज़रूर देता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनकी मदद ज़रूर करेंगे कि इनके चैनल कामयाब हैं, और मेरी दुआएं उन लोगों के साथ जो मेरे बच्चों के चैनल में सब्सक्राइब करेंगे और इनको मदद करके कामयाबी के जीने पर पहला कदम रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मास्टर फूड सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आइए इस नेक दुआ के साथ शुरू करते हैं अपनी रेसिपी का आगाज़। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी फ्राइज़। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए आलू, लिए हैं छील कर, उनको काट कर धो के रख लिए हैं। अब ये हमारे पास साफे हैं, लेस का है, कुरकुरे ब्लैक कलर का नहीं मिला साफे, ये चटपटे हैं, रेड चिली चटपटा। यह है चटनी चस्का, और यह है मसाला, मसाला लेस। पहले आपने इसे हाथ से क्रश कर लें। और इसे आपने पीस लेना है। ये मैं पीस लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने पीस लिया है, ये मैदा लिया मैंने थोड़ा सा। अब इसमें नमक,
और पिसी मिर्च। इसे मिक्स करके इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर तैयार हो चुका है। अब इसमें हमने एक चिप्स का पीस लेना है, ये डिप करना है इसमें। उसके बाद जो हमने चिप्स पीसी है, कुरकुरे पीसे हैं, ऐसे इसकी कोटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये मैं कर लेती हूँ तो फिर मिलती हूँ। ये देखिए, ये हमारे रेडी हो चुके हैं, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। माशाल्लाह देखिए, फ्राइज कितनी ज़बरदस्त बनी है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होगी। आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ नई रेसिपी तक के लिए। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।